नाम है? अच्छा, आपकी डॉटर का नाम, व्हाट्स हर नेम? साक्षी। तो क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं कि कैसा परफॉर्म? मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया बेटा, सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। मेहनत है और भगवान, उसकी मेहनत और भगवान है सब। बट ऑब्वियसली बीइंग अ पेरेंट, आप इतने 45 डिग्री सेल्सियस है, इतना टेम्परेचर में आप खड़े हैं, तो पेरेंट का काम है मैम। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वर्षा एंड एज यू ऑल नो टुडे यूपीएससी इज़ कंडक्टिंग इट्स प्रीलिम्स फॉर 2024। सो आइए जानते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट का क्या रहता है आफ्टर प्रीलिम्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। यू आर राइट, लाइक यू आर ओके। पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। टफ था? टफ तो नहीं था एज सच। आप बताइए कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा था, मतलब लास्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था पेपर। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रीलिम्स की कट ऑफ कैसी जाएगी? पेपर वॉज टफ और मॉडरेट? मॉडरेट। पेपर वॉज मॉडरेट, ओके। तो व्हाट आर, किसी ने पढ़ा हो तो वो कर सकता है अच्छे से, मतलब कि पेपर कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के इजी आए हैं? आई थिंक सो। क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग, अनुराग पेपर कैसा गया आपका? अच्छा गया। अच्छा गया, क्या लगा, मतलब कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए? क्वेश्चंस तो ओवरऑल सारे मतलब मिक्स टॉपिक्स ही थे, बट क्वेश्चन मुझे लेवल अगर डिफिकल्टी वाइज बोलूँ तो मॉडरेट लगा पेपर। पेपर बहुत मॉडरेट। प्रकाश चंद्र जोशी। प्रकाश चंद्र, कहाँ से आए हैं आप? मैं न्यू दिल्ली गोल मार्केट से। न्यू दिल्ली से, एंड आप किसके साथ आए हैं, आपका सन या डॉटर? हु इज प्रिपेयरिंग? मेरा बेटा है। आपका बेटा है, ठीक है। एंड कहाँ से उन्होंने कोचिंग ली है? उन्होंने आपके अनअकैडमी से वो। अच्छा, अनअकैडमी से कोचिंग ली है, ठीक है। एंड अभी कौन सा अटेम्प्ट है ये उनका? ये उनका सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ था? फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, उस समय ग्रेजुएट ही हुआ था वो, और उसने जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन हाँ दे दिया था, लास्ट ईयर ही ग्रेजुएट हुआ। तो अभी क्या एक्सपेक्टेशन है आज आप आए उनके साथ कि इस बार क्या? अभी तो वो बता रहे हैं कि आज पेपर थोड़ा सा हल्का सा लास्ट ईयर के मुकाबले ईजी है, बट आपके जो वो है वो हाई जाएगा, कट ऑफ विल बी हाई। कट ऑफ विल बी हाई। पर नाइस। तो क्या पहले वाले से बेटर था? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? होपफुली क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले वाले से तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया ये वाला, ऑप्शंस काफ़ी सही थे और इसका जो ओवरऑल पेपर पूरा मॉडरेट था, ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि मतलब बहुत हाईली टफ हो जाए या फिर बहुत लो में चला जाए, मॉडरेट था, काफ़ी बेटर था एग्जाम। और क्या लगता है कि स्किल सेट भी इस बार गेम चेंजर रहेगा? पॉसिबली, अभी पता नहीं है, अभी जाएंगे देखेंगे तब पता पड़ेगा, हो भी सकता है, लेकिन जहाँ तक है शायद वो भी हो जाएगा टिकल, मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, हो जाएगा। और कब से प्रिपेयर कर रहे हैं आप एग्ज़ाम के लिए? मेरे को सिर्फ 2 ही साल हुए हैं अभी, फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर्स यू आर प्रिपेयरिंग। हाँ, मैंने पिछली बार लास्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें प्री क्लियर नहीं हो पाया था, इस वाले में होपफुली शायद हो जाए। Hi, what's your name? Myself Himanshi. Himanshi, how was your prelims examination? It was quite good. It was quite good. Yeah. So, what you have felt like? Which portion was tough and which portion was easy? This time prelim, in prelims GS1, polity was very easy as well as it was more on a static side. Science was बहुत कम questions थे science में and economy was on a current affair side. Okay, so this was your first attempt or second attempt? This was my second attempt. Okay, so what changes you found in this year exam as compared to the last year? Last year के comparison में जैसे only one and only two question बहुत ज़्यादा थे, तो तुक्काबाजी and random guessing was बहुत ज़्यादा, but this year weekend elimination था, पर cut off बहुत हाई जाएगा because paper was very easy. So you mean this year probability worked? नहीं, मतलब एलिमिनेशन था बट पेपर इजी था ओवरऑल। क्या नाम है आपका? मैम लोकेश सिंह। लोकेश, हाउ वाज द पेपर? पेपर वाज गुड एंड पिछले साल के मुकाबले थोड़ा इजी था। पेपर वाज इजी? हाँ, पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल क्या था कि ज़्यादा इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी बेस्ड था एंड हिस्ट्री के पोर्शन भी कम थे, इस साल भी हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं आए, हिस्ट्री से कम ही आए, बाकी एनिशेंट्स है, मॉडर्न जो इंडिपेंडेंस थे वो ख़त्म हो गया बिल्कुल, एंड पॉलिटी से ऑलमोस्ट ज़्यादा क्वेश्चंस आए। पॉलिटी से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आए ज़्यादा एंड डायनामिक जैसे करंट अफेयर्स, व्हाट अबाउट दैट? करंट अफेयर्स से आप मान लो जैसे कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी था उसका पोर्शन थे जो क्या थे करंट से रिलेटेड थे सारे, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज थे, स्कीम्स थी, कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस गवर्नमेंट पॉलिसी और स्कीम्स से। दिस प्लेस दिस एग्जाम वेयर ड्रीम्स आर फॉर्ज्ड एंड डेस्टिनीज आर शेप्ड, इट होल्ड्स द एकोज ऑफ काउंटलेस एस्पिरेशंस, relentless perseverance and the burning desire of the student to serve the nation.